मैं केवल मैं तो आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्म होने पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामों निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे, अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र दो वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है, पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को खासतौर पर भवानी खेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानविंदों के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही है, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ
पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं, उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, उन्होंने तो कहा कि त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जनता जनार्दन आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था, एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरी तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा, और इसको आप देख सकते हैं बहनों और भाइयों, जब देश में संकट आता है, सबसे बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया पस्त हो गई थी, कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैल गई थी। और बहनों और भाइयों, कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ कार्य कर रहा था। मोदी जी जगह जगह जाकर के जनता के साथ खड़े होकर के कोरोना से मुक्ति प्रदान करने के लिए उपायों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कहां थे ही नहीं। सब संकट के समय उन्हें भारत याद नहीं आता है, भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती है, संकट के समय तो उन्हें इटली में नानी याद आती है। नानी वे कभी आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए दफन कर देना, यह भी तो मोदी जी ने किया। 370 का दंश भी तो कांग्रेस ने दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोध करते रहे, उन्होंने कहा था कि धारा 370 संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए उस समय कांग्रेस ने धारा 370 संविधान में जोड़ करके कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया। परिणाम क्या था? पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी, और हिंदुओं के सामने
एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके फिर सके। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में है 2014 में उन्होंने एक ही बात कही, जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन